तो मठरियां तो आपने बहुत बार बनाई होगी, मगर इस बार बनाई है ये सुपर क्रिस्पी लेयर्ड मठरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है, बहुत ही ज़्यादा करारी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इन मठरियों को देखकर जरूर आपको लग रहा होगा कि इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, मगर इन्हें बनाना इतना ज़्यादा आसान है और ये देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक परात में डाल देंगे 2 कप मैदा और फिर हम इसमें डालेंगे मोयन। तो आज यहाँ पे हम देसी घी के मोयन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप देसी घी। तो यहाँ पे आप देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मटेरियल में इतना मोयन होना चाहिए कि मिक्स करने के बाद जब आप इस मटेरियल की मुट्ठी बांधें तो बन जाए। तो क्योंकि आज हम बना रहे हैं नमकीन मठरी, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से हमारी मठरियों की जो फ्लेवरिंग है, उसका जो टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप अजवाइन को प्रेफर नहीं करते हैं तो आप इस समय इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी बहुत ही बढ़िया लगती है इन वाली मठरियों में। तो दोस्तों, इस मठरी को आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, मगर गेहूं के आटे में आपको थोड़ा सा मोयन ज्यादा डालना पड़ेगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गेहूं के आटे में देसी घी का मोयन ही करें, तभी आपकी जो मठरी है वो एकदम परफेक्टली खस्ता बनेंगी। तो यहाँ पे मोयन, अजवाइन और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है और देख सकते हैं मुट्ठी बन रही थी हमारे मटेरियल की। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। हमारा जो डो है वो एकदम रोटी वाले आटे जितना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और पूड़ी वाले आटे जैसा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच की ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और हमारी मठरी का डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डो ऑलमोस्ट गुथ करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको ढक करके 20 मिनट के लिए इसी तरीके से फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट बाद हमारी जो मठरी का आटा है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस आटे को फिर से 1 मिनट के लिए गूंथ लेंगे और फिर हम इसकी बिल्कुल इक्वल साइज की लोइयां तोड़ देंगे। तो इतने आटे में करीबन 5 लोइयां टूट करके आएंगी। तो अब हम एक लोई ले लेंगे और इसको एकदम से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हम जो भी हमारा वर्किंग एरिया है, जो भी सरफेस है, उसके ऊपर हम सूखा मैदा छिड़क देंगे और फिर हम इस लोई को बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें इस मैदे की रोटी को एकदम पतला बेलना है, मतलब इतना पतला बेलना है कि जब हम इसके नीचे अपना हाथ रखें तो हमें अपना हाथ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो ये मैदे की रोटी है वो बिल करके तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं साइड से और पतला कर दे रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी पतली है। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसको ढक करके रखेंगे और फिर दूसरी लोई भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी कि इन रोटियों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, इनको सिंगल सिंगल अलग अलग रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन रोटियों को अपनी एक टेबल पे रख दिया था और नीचे एक बटर पेपर लगा दिया था, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। जब तक सभी मैदे की रोटियां बिल करके तैयार हो रही हों, तब तक आप इन रोटियों को ढक करके जरूर रख दीजिएगा, वरना ये ऊपर से सूख जाएंगी। तो जब हम पांचों की पांचों रोटियां बेल करके तैयार कर लेंगे, तब हम एक रोटी को इस तरीके से काउंटर पर रख देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये घी। तो यहाँ पे हमें 1/2 टीस्पून घी की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर क्योंकि मैंने मोयन भी घी का रखा है तो आज मैं इन मठरियों को थोड़ा सा घी से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने घी को अच्छे से फैला दिया है और अब हम इस रोटी के ऊपर दूसरी रोटी बहुत ही सावधानी से रख देंगे।
थोड़ा सा अगर इसकी शेप को एकदम अच्छे से रखने में दिक्कत आए तो आप इसको हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं। हल्का सा ही स्ट्रेच करिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करिएगा वरना रोटी बीच में से फट सकती है। तो यहाँ पे हमने एक रोटी रख दी है। अब हम इस वाली मैदे की रोटी के ऊपर भी देसी घी की एक लेयर लगा देंगे। इसे भी बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर ये तीसरी रोटी भी हम इसके ऊपर बहुत ही सावधानी से फैला देंगे। बस अब इस रोटी के ऊपर भी हमें पहले की तरह घी लगा देना है और फिर चौथी रोटी भी हम इसके ऊपर रख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी मैदे की रोटियां स्टैक कर देनी है, मतलब एक लेयर के ऊपर घी लगाना है, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इनको हल्का सा स्ट्रेच करके, हल्का सा उठा करके बहुत ही अच्छे से स्टैकअप कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पांचों की पांचों रोटियां लगा दी हैं। तो अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक परफेक्ट स्क्वायर काटेंगे। तो इन साइड्स को हम हटाएंगे नहीं, इनको बाद में हम एक बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी शेप दे करके बिल्कुल मठरियों की तरह ही फ्राई कर लेंगे। देखने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं और भाई जब इतनी मेहनत करी है तो हम कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो अभी हम इन्हें साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें इसके भी बिल्कुल छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर काट करके तैयार करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी बर्फी वाले वीडियोस में बताया होगा, परफेक्ट स्क्वायर काटने के लिए पहले मटेरियल को बीच में से आधा कर दें और फिर जो आपके पास दो हाफ आए उनको भी बीच में से आधा ही काट दें और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से बीच में से आधा काट दें और फिर ये जो दो हाफ तैयार हुए हैं आपके इन्हें भी बीच में से काट दें। और ये तैयार हो गए हमारे बिल्कुल परफेक्ट छोटे छोटे क्यूट से स्क्वायर्स। तो चलिए इनकी क्यूटनेस पे नहीं जाते हैं, फटाफट से मैं आपको एक मठरी बना करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया है और अब हम इसको बीच में से इस तरीके से काट देंगे ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाएं। और अब हम इस ट्राइंगल के ये दो एंड्स को पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसको दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। और ये हमारी मठरी तैयार हो गई है। तो आप इसको रिंग मठरी भी कह सकते हैं या फिर क्राउन मठरी भी कह सकते हैं या फिर ये एक मोमो की शेप भी होती है, तो आप इसको मोमो मठरी भी कह सकते हैं। बाकी के स्क्वायर्स को भी हम इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। तो इतनी सुंदर और इतनी फ्लेकी क्रिस्पी मठरी की रेसिपी को एक लाइक करना तो बनता ही है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मेरी कोई भी रेसिपी ऑनलाइन आए तो आपके फोन की भी घंटी बज जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो ये हमारी मठरियों का बैच बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों इन मठरियों को फोल्ड करने के लिए आप बच्चों की भी मदद ले सकते हैं, उनको इस तरीके की इनोवेटिव सी चीज बनाने में बहुत ही मजा आएगा और खुशी भी होगी। तो अब क्योंकि ये बैच तैयार हो गया है तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए ले जाते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है और तेल को बिल्कुल मीडियम गर्म किया है, एकदम से तेज गर्म मत करिएगा वरना जो मठरी है वो बाहर से ज्यादा सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी क्योंकि ये फ्लेकी मटेरियल है, इसमें हमने इतनी सारी लेयर्स लगाई हैं तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अब हम इन मटेरियल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए सेक लेंगे या फिर हमें इसको तब तक सेकना होगा जब तक ये बाहर से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। कढ़ाई में डालते ही इनको एकदम से टच नहीं करना है वरना जो लेयर्स हैं वो बिखर भी सकती हैं। तो यहाँ पे मठरियों को सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम किसी चम्मच या फोक की सहायता से इनको हल्का सा पलट देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं एंड वाओ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर्स निकल करके आ रही हैं। तो 5 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पे हमने एक तरफ से सेक लिया है। तो अब हम इन मठरियों को पलट देंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है।
तो अब हम इनको दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी तरीके का बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो मठरियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्टली सिक करके तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी फ्लेकी मठरियाँ बन करके आई हैं, इतनी सारी लेयर्स बन करके आई हैं कि क्या कहने। तो अब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल इनोवेटिव सी रेसिपी है, तो आप इसको बिल्कुल अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। आप इसको पांच परतों वाली मठरी भी कह सकते हैं, वर की मठरी भी कह सकते हैं, क्राउन मठरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो एक बढ़िया सा नाम तो चाहिएगा। एंड नो डाउट नाम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये नई सी इनोवेटिव सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।